Welcome to EduBytes concept-based learning videos. Hello students, today our topic is distance and displacement. Say एक body है जिसे A to C position में जाना है, but उसने बीच में अपने एक friend को pick करना है position B से. तो वो A to B चला 2 किलोमीटर, B से C चला फिर 1 किलोमीटर. तो total वो कितना चला? 2 plus 1, 3 किलोमीटर. ये क्या है? It is called the distance. एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर, जो हमारी पाथ हमने कवर करा उसकी जो एक्चुअल लेंथ थी उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस. ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन हमारी मैटर नहीं करती कि हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, इट इज कॉल्ड द डिस्टेंस. ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं बच्चा स्केलर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड तो है कि 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, बट कोई डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं है कि ईस्ट जा रहा है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. अगर मैं बोलती हूँ कि एक बॉडी 20 किलोमीटर चली, नहीं पता यहां गई, यहां गई, यहां गई, क्यों? क्योंकि कोई डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं है. तो इसके लिए नई क्वांटिटी आई हमारे पास, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. सी विद एग्जांपल, फर्स्ट आपको एक टाउन से दूसरे टाउन में जाना है. मान लिया हमने आपको हिसार से दिल्ली जाना है, तो उसके लिए आपका जो सीधा रूट था वहां कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो आप वो फॉलो नहीं कर सकते. आपने कोई दूसरा रूट लिया, बहुत लंबा पड़ा जो आपको, और उसमें आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 50 किलोमीटर, क्योंकि आपको अपने टाउन से यहाँ पहुंचने में 50 किलोमीटर लगे. बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जो आपकी इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन है उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन अलोंग विद डायरेक्शन, ये बात इंपॉर्टेंट है. जो हमारा छोटेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन में, बट उसके साथ डायरेक्शन मेंशन होनी चाहिए. जैसे मैं कहूँ मेरी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट 20 किलोमीटर है, तो वो बात बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी. व्हाई? बिकॉज मैंने डायरेक्शन मेंशन नहीं की. तो 20 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट इज द राइट थिंग, वो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट है. ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो. डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो. हाउ? से एक बॉडी ने ट्रेवल करना शुरू करा सर्कुलर, उसमें तो उसने जब ट्रेवल करना शुरू करा तो जो उसका डिस्टेंस है सर्कल के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे रेडियस 2πr से, राइट? मगर उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल पोजिशन भी यही, फाइनल भी यही, तो वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो, राइट? थैंक यू. For more videos, subscribe to our channel.